हर्बर्ट मॉडल ऑफ टीचिंग, ये आप KVS DSSSB CTET UPTET XYZ टीचिंग से रिलेटेड आपका जो भी एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर्बर्ट ने 5 स्टेप दिए हैं टीचिंग के। मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि उन्होंने कितने स्टेप दिए हैं, तो हर्बर्ट ने 5 स्टेप दिए हैं टीचिंग के, जो प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे मैंने प्रिपरेशन और कंपैरिजन के आगे स्लैश लगा के एक और नेम लिख रखा है, वो इसलिए क्योंकि जब आपको इनको सीक्वेंस लगाने के लिए पूछता है तो कभी कभी प्रिपरेशन की जगह इंट्रोडक्शन और कंपैरिजन की जगह एसोसिएशन दे देता है, ठीक है ना। आप कोई भी लेसन प्लान है, पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं, फिर उसका जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण करते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई कर देते हैं। तो प्रिपरेशन को इंट्रोडक्शन और कंपैरिजन को एसोसिएशन भी कहते हैं। इसकी बहुत शॉर्ट सी ट्रिक है PPAGA। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।